हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल कम्युनिकेशन वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट यू मीन बाय सिग्नल। सिग्नल्स क्या होते हैं? सिग्नल बेसिकली हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है इंजीनियरिंग की, ठीक है। कोई भी कम्युनिकेशन हो हमारा, चाहे वो हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन हो, चाहे वो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन हो, उसका जो बेसिक है, फंडामेंटल है, वो है हमारे सिग्नल, क्योंकि कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है सिग्नल्स से। तो सिग्नल्स क्या होते हैं? सिग्नल बेसिकली हमारे एनर्जी के फॉर्म में होते हैं जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। ये सिग्नल्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, एनालॉग सिग्नल्स हो सकते हैं, डिजिटल सिग्नल हो सकते हैं, कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स हो सकते हैं, लेकिन जो भी सिग्नल होगा वो एनर्जी के फॉर्म में होगा और इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा। जितने भी हमारे रियल लाइफ सिग्नल्स होते हैं वो कंटीन्यूअस होते हैं नेचर में। जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ तो ये एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है और ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। तो सिग्नल बेसिकली हमारे ब्रॉडली क्लासिफाई किए गए हैं दो टाइप से, कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल जिन्हें हम CTS कहते हैं और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जिसे हम DTS कहते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल। कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल वेरीज स्मूथली एंड कंटिन्यूअसली ओवर अ टाइम। ऐसे सिग्नल जो स्मूथली और कंटिन्यूअसली वेरी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उनको हम कहते हैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, या हम कह सकते हैं द सिग्नल इज स्पेसिफाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टाइम। ऐसे सिग्नल जो स्पेसिफाई होते हैं टाइम की हर वैल्यू के लिए, मतलब हर टाइम पे उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू डिफाइन हो। यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। इस सिग्नल में हर टाइम पे इसकी कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन है। जैसे t = 0 के लिए इसकी वैल्यू डिफाइन है 1, t = 1 के लिए भी इसकी वैल्यू डिफाइन है, और 0 और 1 के बीच में भी इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज डिफाइन है। जैसे 0 और 1 के बीच में 0.1 पे भी इसकी एक वैल्यू डिफाइन है, 0.2 के लिए भी इसकी एक कोई वैल्यू डिफाइन है, 0.3 के लिए भी वैल्यू डिफाइन है, और अगर इस इंटरवल में देखें 0 और 0.1 के बीच में तो भी इसमें बहुत सारी वैल्यूज इसके लिए डिफाइन है। 0.001 में, 0.002 में, 0.003 में। तो ऐसे सिग्नल जिसकी हर टाइम में कोई ना कोई वैल्यू स्पेसिफाई होती है, डिफाइन होती है, उनको हम कहते हैं कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल। अब इन कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल फंक्शन या इक्वेशन के, जो हमारे सिग्नल का बिहेवियर बताते हैं। तो यहाँ लिखा है कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शंस एंड इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ओवर टाइम। अब कौन से मैथमेटिकल फंक्शन और कौन सी इक्वेशन हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारी साइन वेव, कोसाइन वेव्स, इनकी हेल्प से हम अपने कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स होते हैं वही हमारे एनालॉग सिग्नल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो दीज फंक्शंस कैन बी कंटीन्यूअस फंक्शन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे कंटीन्यूअस फंक्शन भी हो सकते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी फंक्शन से या किसी इक्वेशन के थ्रू। तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन = xt से, इस तरीके से। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है? xt, जिसमें x हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और t हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल t की वैल्यू हमारी हो सकती है -∞ से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को, जिसमें एक पैरेंथेसिस के अंदर हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन करते हैं स्मॉल ब्रैकेट में। पैरेंथेसिस मतलब ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको पैरेंथेसिस। अब कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स आर डिफाइंड एंड एनालाइज इन कंटीन्यूअस टाइम डोमेन। जो कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं और उनको एनालाइज किया जाता है कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में, और इनको एनालाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक होती हैं जिनको हम कहते हैं कंटीन्यूअस टाइम डोमेन टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी हमारी कंटीन्यूअस टाइम डोमेन टेक्निक है जिनकी हेल्प से हम अपने कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को प्रोसेस करते हैं और एनालाइज करते हैं। तो ये है हमारा एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम डीटीएस कहते हैं। Discrete time signal is specified only at a specific time instant. Discrete time signal की value एक specific time instant में ही defined होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक discrete time, इसकी value 0 पे defined है, 1 पे defined है, 3 पे defined है, 5 पे डिफाइन है, 7 पे डिफाइन है, मतलब जितने भी ऑड नंबर का सीक्वेंस है उस पे डिफाइन है, ठीक है। तो डिस्क्रीट टाइम इंटरवल पे या डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट पे ही इसकी वैल्यू डिफाइन होती है, इसीलिए इनको हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और यूजुअली ये सेपरेटेड होते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर्स है सारे, तो इक्वल टाइम इंटरवल में ये सेपरेटेड होते हैं। यहाँ पे अगर आप कहो कि 0 और 1 के बीच में इसकी कोई वैल्यू डिफाइन है, तो कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है। 1 और 3 के बीच में इसकी कोई वैल्यू डिफाइन है, यानी 1.1 पे, 2.4 पे, तो इसकी कोई भी वैल्यू 1 और 3 के बीच में डिफाइन नहीं है। केवल 0 पे डिफाइन होगी, 1 पे डिफाइन होगी, 3 पे डिफाइन होगी, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में ही इसकी वैल्यू डिफाइन होती है। तो ये कहलाते हैं आपके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इट इज ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यू दैट आर डिफाइंड एट डिस्क्रीट पॉइंट इन अ टाइम। ये सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज होती हैं जो डिफाइन होती हैं डिस्क्रीट टाइम इंटरवल पे, ठीक है, या स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट पे। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज से। इसको हम किसी मैथमेटिकल फंक्शन या इक्वेशन के थ्रू डिफाइन नहीं करते, इसको हम डिफाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर से या सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज से। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम ऑब्टेन करते हैं बाय सैम्पलिंग अ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल। कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल की सैम्पलिंग करके हमें डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज मिल जाती हैं और हम एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ऑब्टेन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है, ठीक है, हमारी साइन वेव है। इस कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को जब हम सैंपल करेंगे तो हमें इसकी जो सैंपलिंग टाइम होगा उस पे इसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे 0, 1, 1, 2, 3, तो इन टाइम इंटरवल पे, इन सीक्वेंस ऑफ नंबर पे इसकी हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। लेकिन अगर कोई कहे 0 और 1 के बीच में इसकी कोई वैल्यू डिफाइन है, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, केवल वैल्यू कहाँ होती है, उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे x हमारी एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और n हमारा होता है इंटीजर जिसकी वैल्यू डिफाइन होती है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ये आपका इधर पे n हो जाएगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में। और कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के केस में x एक्सिस रिप्रेजेंट करती है टाइम t। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आर डिफाइंड एंड एनालाइज इन अ डिस्क्रीट टाइम डोमेन। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल डिफाइन होते हैं और एनालाइज किए जाते हैं डिस्क्रीट टाइम डोमेन में। और बहुत सारी टेक्निक हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को एनालाइज करने की, जिन टेक्निक को हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइम डोमेन टेक्निक, जैसे कि जेड ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे देखिए ये टेक्निक्स दी हुई हैं। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैन बी प्रोसेस्ड और एनालाइजिंग यूजिंग डिफरेंट टेक्निक सच एज सैम्पलिंग, इंटरपोलेशन, फिल्टरिंग, ये सारी मेथड्स होती हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को प्रोसेस करने की और एनालाइज करने की। तो ये है हमारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल क्या कहलाते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या कहलाते हैं। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हम ऑब्टेन करते हैं कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल की सैम्पलिंग करके। जिन जिन टाइम पे हमने सैंपल लिया है कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल का, उसके बीच में हम एक ग्राफ बना लेते हैं और वो हमारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होते हैं, मैंने आपको बताया जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो हमारे कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल कहलाते हैं। तो पहला डिफरेंस इसी पे बेस्ड है द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इज एनालॉग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल सिग्नल। जो हमारे नेचुरल सिग्नल होते हैं उनका एनालॉग रिप्रेजेंटेशन होता है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को सैम्पलिंग करके हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। नेक्स्ट, द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बाय यूलर्स मेथड। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हम कन्वर्ट करते हैं, उस मेथड का नाम है यूलर्स मेथड। जबकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम कन्वर्ट करते हैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में जीरो ऑर्डर होल्डिंग और फर्स्ट ऑर्डर होल्ड मेथड्स। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट में चेंज करना बहुत ईजी होता है, लेकिन इसका रिवर्स प्रोसेस डिस्क्रीट को कंटिन्यूअस में चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल फंक्शन या इक्वेशन से, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जबकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर से या सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज से। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी। मैंने आपको बताया था अभी कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स जो होते हैं उनको हम किसी मैथमेटिकल फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है एक्स टी, जहाँ पे एक्स हमारी एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और टी हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इस टी को हम पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और टी की वैल्यू डिफाइन होगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच। जबकि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होते हैं उनको हम सीक्वेंस ऑफ वैल्यू से या सीक्वेंस ऑफ नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर कहाँ से आते हैं? जब हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को सैंपल करते हैं, ठीक है, तो ये नंबर हमें मिलते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, x और स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, जहां पे x हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है और n हमारी एक इंटीजर वैल्यू है जिसकी वैल्यू डिफाइन है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस टाइम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय लेटर t। जो कंटिन्यूअस टाइम वेरिएबल होता है उसको हम डिफाइन करते हैं t से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारा एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है तो t हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो t की x एक्सिस में ये जो वैल्यू आएगी t की आएगी हमारे पास, और फंक्शन हमारा डिफाइन होगा x t y एक्सिस के अलोन। ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होगा। जबकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम n से डिनोट करते हैं, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी n x एक्सिस में, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर n, और इसकी वैल्यूज आएंगी डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे, लाइक दिस। नेक्स्ट, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल t एनक्लोज इन द पैरेंथेसिस। यहाँ पे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के केस में हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल t को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को हम डिफाइन करते हैं और एनालाइज करते हैं कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम डिफाइन और एनालाइज करते हैं डिस्क्रीट टाइम डोमेन में। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए और एनालाइज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कंटिन्यूअस टाइम डोमेन टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि आपके लैपलास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एक्सेट्रा। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए भी हमारे पास डिस्क्रीट टाइम डोमेन टेक्निक्स होती हैं, जैसे जेड ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, सैम्पलिंग, फिल्टरिंग, इंटरपोलेशन, ये सब। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली वेरी करते हैं टाइम के साथ, तो उनमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होते हैं? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में ही डिफाइन होते हैं, इसीलिए इसमें लेस इन्फॉर्मेशन होती है। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल नीड मोर मेमोरी टू सेव। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को अगर हमें स्टोर करना है तो उसको ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को स्टोर करने के लिए हमें कम मेमोरी की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें कम इंफॉर्मेशन है। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल आर पीरियोडिक इन नेचर। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं नेचर में। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स आर अपीरियोडिक इन नेचर, वो अपीरियोडिक होते हैं नेचर में। तो ये कुछ डिफरेंस थे कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। होप आपको इस वीडियो के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स क्या कहलाते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्या कहलाते हैं, क्योंकि यही फंडामेंटल है हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन का और सिग्नल एंड सिस्टम का। ठीक है, तो अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो तो उसके लिए आपके ये सारे फंडामेंटल्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।